नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली इलेक्ट्रीशियन ट्रांसफार्मर की क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसके पहले हम लोगों ने करीब 6 क्लासेस जो है ज्वाइन किए हैं। आज हम लोग 7वीं क्लास और पार्ट 7 के जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डेली हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और इसकी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का जो ऐप है नीचे लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करके वहां से जाके बिल्कुल फ्री में आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके सामने देख लीजिए, आप लोग का नंबर यहां पर दिया है और यहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर पूछा क्या गया है कि एक भारी ट्रांसफार्मर में अन्योन फ्लक्स किस प्रकार बदलता है, ये पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो अगर देखा जाए तो ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है और इसमें दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे हमारा देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या बोल रहा है, प्राथमिक धारा या भार प्रतिबाधा या फिर यहाँ पर द्वितीयक धारा या फिर चुंबकीय मार्ग के प्रतिष्ठंभ में, ये ठानो दिया है प्रतिष्ठंभ होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। आप जानते हैं फ्रेंड कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर की लीकेज में वृद्धि होने का परिणाम क्या है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि एक ट्रांसफार्मर में लीकेज होने की वृद्धि, तो इसमें जो है प्राथमिक और द्वितीय कुंडली पर दोनों रिसाव फ्लक्स पूर्ण रूप से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर के भार पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली दोनों रिसाव फ्लक्स में ट्रांसफार्मर के भार पर निर्भर करता है। यदि भार बढ़ता है तो रिसाव भी बढ़ जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा किससे मतलब रख रहा है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है। तो ए में दिया गया है प्राथमिक वाइंडिंग में प्रेरित EMF घट जाएगा, बी में द्वितीयक वाइंडिंग में प्रेरित EMF वृद्धि करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहेगा, या सी में द्वितीयक वाइंडिंग के टर्मिनल घट जाए बता यहाँ पे टर्मिनल घट जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड नंबर पर अगर हमारा देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, द्वितीयक वाइंडिंग के जो टर्मिनल होते हैं वो घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि यदि भार बढ़ता है तब रिसाव इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे बोला क्या गया, ट्रांसफार्मर में लीकेज वृद्धि होने का परिणाम हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने पूछा क्या गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन, कि थर्ड नंबर पर यहाँ पर बोला गया है कि टर्शरी संयोजन क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि अगर टर्शरी के सबसे पहले देखा जाए तो ये दो या दो से दो अभिकारक किसी एक उत्पादन का निर्माण करते हैं, उत्पादक सॉरी फ्रेंड, ये जो है दो या दो अभिकारक किसी एक उत्पादक का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग टर्शरी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक बंद स्टार है या खुला स्टार या बंद डेल्टा या खुला डेल्टा। तो थर्ड नंबर पर अगर हमारा देखा जाए तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, टर्शरी संयोजन जो है यहाँ पे बोला गया है कि दो या दो अभिकारक किसी एक उत्पादक का जब निर्माण करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, बंद डेल्टा में करेगा, ना कि खुला डेल्टा में। ठीक है, तो निर्माण हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल बिंदु को स्थिर करने हेतु किस कुंडलन का चयन किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल बिंदु को स्थिर करने हेतु किस कुंडलन का चयन किया जाता है, इंटरपोल वाइंडिंग या कंपनसेटिंग वाइंडिंग या टर्शरी वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग। तो फोर्थ नंबर पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें स्थिर बिंदु की या पॉइंट की बात की गई। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यह घूमने वाला भाग नहीं होता, मतलब ट्रांसफार्मर जो है यह घूमने वाला भाग नहीं है और यह क्या काम करता है, AC के साथ काम करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है फ्रेंड कि स्थिर करने हेतु किस वाइंडिंग का चयन किया जाता है। तो फोर्थ नंबर पे हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, टर्शरी वाइंडिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, टर्शरी वाइंडिंग हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन सही हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइव नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में रखा रासायनिक पदार्थ अपना रंग कब बदलता है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे देखना ये है कि ए में जो है भार के अनुरूप,
बी में नमी के अनुरूप, सी में धूप के अनुरूप, या डी में नमी व धूप दोनों के। तो फाइव नंबर पर अगर देखा जाए फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा नमी के प्रवाह को रोकना, जैसे हमारा देखा जाए तो नमी के प्रवाह को रोकना है, तो जब वह बाहरी हवा प्रवेश करती है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेली का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड बोला क्या गया है, नमी। तो हमारा यहाँ पर जो है फाइव नंबर पर अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन मिल जाता है। डी ऑप्शन पर नमी व धूप के अनुरूप हम लोग सिलिका जेली का प्रयोग करते हैं, मतलब यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन, और सिक्स नंबर देखिए क्या बोला गया है कि पूर्ण भार ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियमन शून्य कब होगा। पूर्ण भार ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियमन शून्य कब होगा, लीडिंग शक्ति गुणांक भार पर, या लैगिंग शक्ति गुणक भार पर, या इकाई शक्ति गुणक भार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ध्यान यह देना है कि ये द्वितीयक वोल्टेज के अनुपात में होता है, मतलब पूर्ण भार जो ट्रांसफार्मर हमारा शून्य होता है ये द्वितीयक वोल्टेज के अनुपात में होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे लैगिंग शक्ति गुणक भार पर हमारा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ये द्वितीयक वोल्टेज के अनुपात में होता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक शक्ति ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में यदि जा तरंग के स्थान पर वर्गाकार तरंग वोल्टता को सप्लाई करे तो क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि जा तरंग के स्थान पर वर्गाकार तरंग या स्क्वायर तरंग का वोल्टता सप्लाई हम करें तो क्या होगा। ताम्र छाती, यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक है तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो आप लोग समझ लीजिएगा। ताम्र छाती कम होगी या शोर का स्तर कम होगा, या लोहे छाती कम होगी या लोह छाती ज़्यादा होगी। ये लो दिया है, लोह छाती होगा। तो सेवेंथ नंबर पे हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लोह छाती कम होगी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद एट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण देता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो ओपन सर्किट परीक्षण कब देता है, यह आपको ध्यान देना है। तो यह ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली पर प्रदर्शित किए जाते हैं, मतलब हमारा यह ट्रांसफार्मर के जो प्राथमिक कुंडली होती है उस पर हम लोग इस पर क्या करते हैं, परीक्षण देते हैं। तो ये किससे यहाँ पे मतलब रख रहा है फ्रेंड, तो ए में देखिए ताम्र छाती रेटेड वोल्टता, लोह छाती या चुंबक का यहाँ पे धारा, तथा छाती या वायु घर्षण छाती। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा। ईएमएफ मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इस वजह से हमारा जो है यहाँ पे चुंबक को जो धारा छाती होती है उससे जुड़ा होता है, मतलब हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोला गया है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे कि शक्ति ट्रांसफार्मर प्रयुक्त तेल खाली स्थान के लिए होता है। तो जो हमारा शक्ति ट्रांसफार्मर में तेल होता है वो किसके लिए होता है, तो ये देखा जाए फ्रेंड, ये आर्कन को रोकने और कोरोना जैसे निर्वाहन तथा आदि ट्रांसफार्मर की ऊष्मा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है स्नेहन, शीतलन, प्रतिरोध या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हमारे ये शक्ति ट्रांसफार्मर हम लोग शीतलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रतिरोध जो होता है ये क्या करता है, ये धारा में बाधा उत्पन्न करता है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, शीतलन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए टेंथ नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के तेल में नमी को अलग करने का कार्य कौन करता है, सिलिका जेली या फिर ब्रीदर या फिर संरक्षित टैंक या तापमान। तो फ्रेंड टेंथ नंबर का हमारा यहाँ पे ब्रीदर होता है, ये क्या करता है, तापमान में जो नमी होती है उसको, मतलब आप कह सकते हैं इसको अलग करने का काम करता है ब्रीदर, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे सिलिका जेली होना चाहिए लेकिन यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, इसलिए ये ट्रांसफार्मर में जो भी ठंडा या कूलिंग करने का काम होता है वो ब्रीदर ही करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड ये थे आज के क्वेश्चन, आज हम लोगों ने यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस किया है, और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखें
और जो ना समझ में आए उस पर आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। देखिए फ्रेंड, मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग के लिए जो है क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो डेली जो है आप लोग की क्लासेस रहेंगी, सुबह में करंट अफेयर की भी क्लासेस रहेंगी, तो ये सारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। बाकी फ्रेंड, अगर आप लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जीरो लेवल से, तो आप लोग के लिए मास्टर बैच स्टार्ट किया गया है, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं फुल तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।